और मैं से खुशी बनता ने मैंने यूट्यूब में मुझे कमेंट भी किया था कि मेरे पास तो मैंने पहले भी है स्केटबोर्ड लेकिन इसका बारे में और कुछ सिखाने के लिए बोला था और जो लोकल बंदा है यहाँ का वो लोग भी बुलाया मेरे को स्केटबोर्ड का किस तरह से चलाने के लिए नहीं काफ़ी कुछ बंदा है यहाँ पे 10 से 15 लगभग बंदा मेरे से सीख गया स्केटबोर्ड और अभी फ़िलहाल नया बंदा है कुछ मेरे सामने तो ये लोग अभी नहीं जानते और ये लोग को सिखाएंगे कोई बहाना नहीं चलेगा यहाँ पे और अभी सीधा सीधा मैं जाऊँगा आपको सिखाने के लिए स्केटबोर्ड किस तरह से आप चलाते और इसमें काफ़ी ज़्यादा बैलेंस रखना बहुत ही आपको ज़रूरी है क्योंकि कुछ टाइम आपको एक बार गिर जाने से एक बार हाथ पैर में चोट आ जाने से आपका हड्डी पसली एक हो जा सकते हैं जी हाँ गाइस इसका नाम स्केटबोर्ड है और यह इसका नाम पेनी बोर्ड है तो किस तरह से इसको ऑपरेट करते हैं किस तरह से इसको चलाते तो मैं बेसिक ट्रिक्स आप लोगों के साथ सिखाने वाला हूँ किस तरह से आप चलाते हैं 6 महीना लग गया था मेरे को सीखते हुए बस फॉलो विद मी एंड आई विल टीच यू हाउ टू राइड एंड स्केटबोर्ड तो फिर मेरे साथ है और एक दोस्त जो कि आज स्केटबोर्ड सीखने वाले हैं वो भी आज तो आपका नाम क्या है तो जी हाँ गाइस तो इसका नाम ऋषि है तो आज वो हमारे साथ हमारा स्केटबोर्ड सीखने वाले हैं जो इसको किस तरह से हम राइड करें किस तरह से हम चला सकते हैं तो गाइस स्केटबोर्ड आपको सीखने के पहले सबसे पहले आपकी बॉडी पैर दोनों सही तरीके से होना चाहिए अपनी पोजीशन सेम तरह से होना चाहिए आपको बैलेंस करना है आगे करना है पीछे करना है तो आपकी बॉडी हमेशा लेफ्ट राइट मतलब दोनों तरफ हर तरफ आपको बैलेंस आना जरूरी है बहुत आपकी बॉडी का वेट आपको मतलब प्रेशर आपको सही सेम इक्वल बजाय रखना है पहले अपनी राइट पैर को पीछे रखना है और अपनी लेफ्ट पैर को आगे रखना इसको जिस तरह रखो सीधे सीधे हाथों से बैलेंस करना है ऐसे ऐसे देखो आप मैं खड़ा हो जा रहा हूँ दोनों पैर को एक पोजीशन में रखना है दोनों प्रेशर आप संभाल सकते हो कुछ इस तरह से तो फिर उसके बाद आप अपनी बॉडी पोजीशन को सेफ रखिए आप आगे पीछे को मूव करने का ट्राई कीजिए जैसे मतलब लाइक दैट में जो आपको गिरना नहीं चाहिए अब इस तरह से बैलेंस करना है आपको बिना हाथ के टच करके आपको खड़े रहना है कुछ ही टाइम के लिए आपको आगे पीछे ले जाना है बस हो गया और अगर आप इसको सीख लेते हैं तो आप एक पैर से ट्राई करना है इसके लिए क्या करना है मैं आपको बताऊंगा तो यहाँ पे सबसे पहले पैर रखना है आपकी दोनों पहले पैर को बैलेंस करना है क्या करना है बैलेंस करना है तो मैं फोर्स अप्लाई करना है इसे ये करने से क्या होता है जैसे करना है सुमित ये करने से क्या होता है ऐसे करने ये करने से आपकी बैलेंस आपकी जो पैर है तो इस पैर का बैलेंस बनेगा और साथ ही साथ तुम्हारे इस पैर का भी लैंडिंग का बैलेंस बनेगा और फिर से आपको चेंज कर देना है आप अचानक जोश में नहीं आना स्केटबोर्ड मैंने सीख लिया और आपकी दोस्तों को दिखाने के लिए आपको जोश में नहीं आना है वरना आपके हाथ पैर गवा सकते हैं आपको किसी भी तरह से इस तरह से जाम नहीं करना है डायरेक्टली इस तरह से दो पैर को जाम नहीं करना है आप अगर प्रो होंगे तो आप जाम करना है आपका पोजीशन यहाँ पे जो पैर है ना वो पैर का ऊपर है आपका पैर और लेफ्ट भी यहाँ पे लेना है लेफ्ट को आगे शिफ्ट नहीं करना है आगे उठाना नहीं बाद में उठाना है आपको इसे पोजीशन में पहले आप चले ये क्या
हाथ को बैलेंस करो, हाथ को ऐसे कर दो। तो कैसा लगा गाइस? ये मेरी स्केटबोर्ड का ट्यूटोरियल। अगर आपको पसंद आया इस वीडियो में, अगर आपको सीखने को मिला इस वीडियो में कुछ भी, तो प्लीज़ जाके आप सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारा वीडियो को फॉलो कीजिए। आगे भी इस तरह से और भी ट्यूटोरियल में आलोक के लिए लेके आते रहूँगा। और फिलहाल के लिए इसी ट्यूटोरियल के साथ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट और एक स्केटबोर्ड।